क्रिकेट इतिहास का वो फास्ट बॉलर जिसने गार्नर, रॉबर्ट्स, क्रॉफ्ट और होल्डिंग को दी सीधी चुनौती। 6 फुट का छरारा बदन और किसी एक रॉक स्टार जैसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा घातक गेंदबाज जो क्रिकेट की बॉल को विपक्षी बल्लेबाज की तरफ किसी भाले की तरफ फेंकता था और जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। क्रिकेट की दुनिया के मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी लोकप्रिय सीरीज क्रिकेट लेजेंड्स की अपनी इस प्रेजेंटेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 70 के दशक के उस घातक तेज गेंदबाज की कहानी जिसने अपनी स्लिंगिंग बॉलिंग एक्शन और फियरी स्पीड से जोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, कोलिन क्राफ्ट और माइकल होल्डिंग की विश्वविख्यात चौकड़ी को सीधी चुनौती देते हुए विश्व क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई। एक ऐसा दुर्दांत तेज गेंदबाज जिसने अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि उन्हें क्रिकेट पिच पर खून पसंद है और बल्लेबाज को आउट करने की बजाय उन्हें हिट करने में उसे ज्यादा मजा आता है। एक ऐसा खूंखार तेज गेंदबाज जिसने साल 1975 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में वेस्टइंडीज के खिलाफ 160.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। तो चलिए सुनाते हैं आपको इस फास्ट एंड फ्यूरियस तेज गेंदबाज की दिलचस्प कहानी क्रिकेटिया भैया की जुबानी। नाम जेफ थॉमसन, बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म फास्ट, टेस्ट डेब्यू 29 दिसंबर 1972 बनाम पाकिस्तान, ओडिया डेब्यू 17 जनवरी 1975 बनाम इंग्लैंड, टेस्ट रिकॉर्ड 51 मैच 200 विकेट, ओडिया रिकॉर्ड 50 मैच 55 विकेट। 70 का दशक क्रिकेट इतिहास का वो दौर था जब क्रिकेट में वेस्टइंडीज का बोलबाला था, जिसकी बड़ी वजह थी उनके फास्ट बॉलर्स की वो जमात जिनके सामने दुनिया भर के कद्दावर बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे, क्योंकि इनमें जोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, कोलिन क्रॉफ्ट, माइकल होल्डिंग की चौकड़ी के साथ अब मेलकम मार्शल भी शामिल हो गए थे। लेकिन इस सब के बीच ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के घरेलू क्रिकेट में अपनी रॉक स्टार लुक और डेयरिंग बॉडी लैंग्वेज के साथ सन्न कर देने वाली फैटल पेस बॉलिंग के लिए एक लड़का चर्चा का विषय बना हुआ था। उसका नाम था जेफरी रॉबर्ट थॉमसन, जिसे आगे चलकर क्रिकेट हलके में जेफ थॉमसन के नाम से जाना गया। 16 अगस्त 1950 को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जन्मे जेफ थॉमसन ने अपने टेस्ट करियर का आगाज साल 1972 में पाकिस्तान के खिलाफ किया, पर मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए उस सीरीज के अपने डेब्यू मैच में वो पूरी तरह असफल रहे और जब ये मैच खत्म हुआ तो स्कोर कार्ड पर थॉमसन का बॉलिंग स्टैट काफी निराशाजनक था। उन्होंने मैच में 110 रन दिए पर वो एक भी विकेट नहीं ले पाए। साथ ही इस मैच में अपनी फुट इंजरी के कारण और अपने खराब फॉर्म के चलते उन्हें ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम से पूरे 2 साल के लिए बाहर कर दिया गया। आगे इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि कैसे 2 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद इस गेंदबाज ने एक ऐसा कमबैक किया जो मिसाल बन गया, और साथ ही जानेंगे कि कैसे उन्होंने आने वाले सालों में जोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, कोलिन क्रॉफ्ट और मेलकम मार्शल जैसे कद्दावर गेंदबाजों को सीधी चुनौती देते हुए क्रिकेट इतिहास में कामयाबी का परचम फहराते हुए विश्व कीर्तिमान बना दिया। साल 1974 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और दोनों टीमों के बीच चिर परिचित एशेज सीरीज खेली जाने वाली थी। लगातार 2 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी शानदार प्रदर्शन के बल पर एक बार फिर जेफ थॉमसन की क्रिकेट में वापसी हो रही थी। सीरीज से कुछ रोज पहले संडे टेलीग्राफ को दिए अपने इंटरव्यू में थॉमसन ने यह कहकर कि उन्हें बल्लेबाज को आउट करने से ज्यादा उन्हें हिट करने में आनंद आता है और साथ ही क्रिकेट की पिच पर उन्हें खून देखने का शौक है, पूरे क्रिकेट हलके में सनसनी फैला दी। ऐसे शुरू हुआ और थॉमसन ने जैसा इंटरव्यू में बोला था उसी नीति पर काम करते हुए अपने पेस और बाउंस से न सिर्फ इंग्लिश बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया बल्कि सीरीज में 33 विकेट झटकते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से सीरीज में विजयी बनाने में अपना अहम योगदान भी दिया। साल 1975 क्रिकेट इतिहास के सफलतम कप्तानों में शुमार क्लाइव लॉयड की कप्तानी में वेस्टइंडीज की टीम सफलता के शिखर पर थी।
प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अभी अभी विश्व चैंपियन बनी थी। ऐसे में जब वेस्टइंडीज की टीम 6 मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया आ रही थी तो दुनिया भर की नजरें इस सीरीज पर होना लाजमी था, और ये वो सीरीज थी जिसने जैक थॉमसन के कैरियर को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सीरीज शुरू हुई और डेनिस लिली के साथ बेहतरीन गेंदबाजी करके जैक थॉमसन ने 29 विकेट लेकर 5-1 से इस सीरीज को जीतने में ऑस्ट्रेलियन खेमे की तरफ से न सिर्फ लीड रोल निभाया बल्कि पर्थ में खेले गए टेस्ट मैच में 160.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सबको चौंका दिया। उस वक्त उनका एक कारनामा हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि ये वो दशक था जब तेज गेंदबाज का सीधा मतलब था जोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, कोलिन क्रॉफ्ट, माइकल होल्डिंग या फिर मेलकम मार्शल, पर इस सीरीज ने इस थ्योरी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब जेफ थॉमसन दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज थे और वेस्टइंडीज पेस अटैक के सामने उन्हीं जैसा एक तेज गेंदबाज था जो वेस्ट इंडियन नहीं था, जिसका सीधा मतलब था कि बाउंसर का जवाब अब दूसरी तरफ से भी बाउंसर से मिलना था। बहरहाल सीरीज खत्म हुई और वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने कहा कि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में थॉमसन से खतरनाक गेंदबाज का सामना अब तक नहीं किया था। थॉमसन द्वारा फेंका गया सबसे खतरनाक स्पेल, यह वाक्य साल 1975 में खेले गए प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप के मैच का है जब ऑस्ट्रेलिया के सामने श्रीलंका की टीम थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 60 ओवर्स में 4 विकेट पर 328 रन बनाए और इसके बाद इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जैसा क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। थॉमसन के फेरी पेस के आगे श्रीलंका के 2 बैट्समैन घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गए, जिसमें पहले इस मैच में फर्स्ट डाउन बैटिंग करने उतरे दिलीप मैंडिस थे और उसके बाद ओपनर सुनील वेटिमुनि रिटायर हट हुए और स्ट्रेचर पर पवेलियन लौटे। थॉमसन के इस स्पेल से पूरी दुनिया सन्न थी और उन्हें भर्त्सना का सामना करना पड़ा, पर यह स्पेल यह साबित करने के लिए काफी थी कि दुनिया में अब उनसे तेज गेंदबाज कोई दूसरा नहीं हो सकता था। थॉमसन ने अपने करियर में खेले गए 51 टेस्ट मैच में 200 विकेट और 50 वनडे इंटरनेशनल में 55 विकेट लिए, जिसमें उनका बेस्ट फिगर 46 रन देकर 6 विकेट रहा, पर अपने इस क्रिकेट करियर में उन्होंने क्रिकेट की इस थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया कि दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर सिर्फ वेस्ट इंडियंस हो सकते हैं, और अब पहली बार कोई फास्ट बॉलर था जिसकी रफ्तार का सामना करने में बल्लेबाजों के पैर तो कांप रहे थे पर वो वेस्टइंडीज का नहीं था। दोस्तों, पर्थ में थॉमसन द्वारा साल 1975 में 160.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने तोड़ा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही एक और क्रिकेट लेजेंड की दिलचस्प कहानी सुनने और देखने के लिए हमसे आज ही जुड़ जाइए।